अंबागढ़ चौकी विश्वास खंड के कोडीकसा प्रशिक्षण केंद्र में भीषण गर्मी में जमीन पर बैठकर प्रशिक्षण लेते नजर आए शिक्षकों के प्रशिक्षण कार्यक्रम का एक पहला दिन था। यहां अव्यवस्थाओं के बीच 60 की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने उपस्थित होकर प्रशिक्षण लिया, जहां खाने पीने से लेकर बैठने तक की समुचित व्यवस्था का अभाव था। बता दें कि राज्य शैक्षिक अनुसंधान केंद्र छत्तीसगढ़ के आदेश के परिपालन में कार्यालय विकास खंड स्त्रोत केंद्र समर्ग शिक्षा अंबागढ़ चौकी द्वारा मूलभूत साक्षरता और संख्यात्मकता के अंतर्गत कक्षा 1 से 3 कक्षा तक पढ़ाई कराने वाले शिक्षकों का 10 जून से 13 जून तक 4 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम रखा गया है, जहां 60 की संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं को 3 प्रशिक्षकों के द्वारा प्रशिक्षण देना है, जिसमें भीषण गर्मी में अव्यवस्थाओं के बीच प्रशिक्षण केंद्रों में शिक्षक शिक्षिकाएं प्रशिक्षण लेते नजर आए। सर, ये SCERT से जारी हुआ है छत्तीसगढ़ हमारे शिक्षा विभाग से, जिसमें सबसे पहला ट्रेनिंग हुआ SRG लोगों का, जो स्टेट लेवल के ट्रेनिंग हुआ। अब उसके बाद उन्होंने हमको डाइट खैरागढ़ में DRG के रूप में हमको वहाँ पे बुलाया गया। वहाँ पे हम लोगों ने 4 दिवसीय ट्रेनिंग लिए। वहाँ से शेड्यूल बना हुआ है कि जब DRG लोग ट्रेनिंग लेंगे तो फिर ऑनलाइन मोड पे हमने 5 दिवसीय ट्रेनिंग दिए सारे शिक्षकों को जो हमारे जोन में आते हैं उनको। तो इन्होंने घर में बैठ करके 5 दिवसीय इन्होंने ट्रेनिंग लिया 2-2 घंटे का। अब शेड्यूल बदला कि अब इसके बाद जिन शिक्षकों ने ट्रेनिंग लिए ऑनलाइन मोड पे, वो ऑफलाइन ट्रेनिंग लेंगे। और इस ट्रेनिंग में बच्चों को कैसे पढ़ाना है, यानी FLN जो बुनियादी साक्षरता एवं संख्या ज्ञान आज के डेट पे मिशन के रूप में कार्य चल रहा है पूरे छत्तीसगढ़। 4 बजे तक पहले 9 से 4:30 जी सर, हम लोगों को बताया गया कि 10 से 4 लगाना, पहले 9:30 था, उसको भी हमारे विभाग से बताया गया कि 10 से 4 करना है उसमें। और जो हमको व्यवस्था जो बताया गया है, मुहैया कराया गया है, उसी में जैसे उस पर समय जो है, और नाश्ता के लिए जो है 1 टाइम नाश्ता और 2 टाइम चाय। राहत के लिए सर, जो हमको जो सुविधा मुहैया कराई गई है, जैसे यहाँ पंखा और कूलर है, कूलर 2 है लेकिन एक जो है उसको रिपेयर के लायक हो जाएगा, उस शाम तक तो बन जाएगा सर। और भोजन के लिए हम लोग ये बोले तो जो राशि जो प्रोवाइड किया गया है उस पर भोजन तो अलाउबल नहीं हो पाएगा, 1 टाइम नाश्ता और 2 टाइम चाय। और रही सवाल, गर्मी है और इस व्यवस्था के बीच आपका ट्रेनिंग चल रहा है, या गरम गरम हवा एक सिंगल कूलर में यहाँ पे कमरे में सबको जमीन में बैठा के, कल से 2-3 कूलर और लग जाएगा, विंडो कूलर में लगा देंगे, उससे क्या गर्मी शांत होता है। स्टेशनरी के लिए क्या व्यवस्था, स्टेशनरी और क्या है, सभी MT और शिक्षक जो पड़ी है उन लोग आपस में मिल बैठ के आगे सब प्लान बना लेंगे और कल से देंगे। तो आज जो किया जाए खाना आज भी है, मतलब ये शुरू में आज आ सकता नहीं थी स्टेशनरी वगैरह की, या फिर नहीं तो बाकी दे दिया गया है, स्टेशनरी दिया गया है उतना पर्याप्त है 5 दिन के। अच्छा सर, 35 रुपये का बजट सर उसका स्टेशनरी का, कॉपी रुपये है, आपको लगता है 35 रुपये का मार्केट में दर होगा उसका? आप वो तो क्या है MT लोग जाने, आज डेमो हो रहा है सर कि आज आज रेडी नहीं, डेमो डेमो है पक्का श्योर सर, डेमो जो सर जमीन बताए तो डेमो जमीन में बैठा कर ही ट्रेनिंग दिया जाता है पहले।